सैन्य खर्च, यानी जो देश अपनी सेनाओं पर खर्च करती है, क्या उससे किसी देश की गरीबी बढ़ती है? अब आप सोच रहे होंगे कि सैन्य खर्च से गरीबी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि एक समय में अमेरिका ने सैन्य खर्च इतना किया कि वो गरीबी को और बढ़ाने लगा। लेकिन क्या अब भारत में भी ऐसा होने जा रहा है? तो आज इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सैन्य खर्च बनाम गरीबी की बहस कोई नई नहीं है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस ओर फिर भारत समेत दुनिया का ध्यान खींचा। भारत में गरीबी अमीरी की खाई दिनों दिन बढ़ रही है, मगर भारत समेत कई देश हथियारों की खरीद मामले में अव्वल रहे। लेकिन क्या हथियारों की खरीद से कोई देश गरीबी रेखा की ओर बढ़ता नजर आता है, यानी वो देश गरीब होता जाता है? दरअसल 1960 के दशक की बात है, जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में अपनी नाक बचाने के लिए लड़ रहा था। सैन्य खर्चों और हथियारों समेत साजो सामान पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था। उस वक्त अमेरिका में द ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसका मकसद था देश को गरीबी से निजात दिलाना। दरअसल अमेरिका में एक वक्त में जॉन एफ कैनेडी के बाद नए नवेले राष्ट्रपति बने लिंडन बी जॉनसन, जिनके सामने बड़ी चुनौती ये थी कि देश को गरीबी से आखिर कैसे उभारा जाए। उन्होंने ही अमेरिका में द ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका मकसद था देश को गरीबी से निजात दिलाना। 1965 में यही नारा उन्होंने चुनाव के वक्त भी दिया था, जो लोगों में काफी पॉपुलर भी रहा। और जॉनसन अमेरिकी इतिहास में करीब 1.5 करोड़ के अंतर से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। दरअसल युद्धों ने अमेरिका को तबाह कर दिया था, जिसका नतीजा बाद में 1974 में ये रहा कि वहां पर मंदी आ गई। सैन्य खर्चों ने अमेरिका जैसे पूंजीपति देश को गरीबी की ओर धकेल दिया था। इसके बाद इससे उबरने के लिए अमेरिकी सरकारों ने कई प्रोग्राम चलाए। खैर, ये तो बात हुई अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका कभी अपने सैन्य खर्चों की वजह से गरीब हो गया था। लेकिन क्या भारत भी उसी की राह पर चल रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत का सैन्य खर्च बढ़ रहा है। दरअसल भारत सैन्य पर खर्च करने के मामले में अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। बीते साल भारत का सैन्य बजट $83.6 बिलियन था, यानी करीब 6,09,000 करोड़ रुपए था। हालांकि जीडीपी का जितना हिस्सा सैन्य खर्चों में जाता है, उससे काफी कम में गरीब आदमी के रहन सहन, पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया जा सकता है। सरकार कोई भी हो, उसे लोगों के सामने ये दिखाना होता है कि उसका देश किसी से ताकत में कम नहीं है। यही वजह है कि ऐसे सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी होती है। सरकारें गरीबी दूर करने पर भी खर्च करती है, मगर वो इतना मामूली होता है कि उससे गरीब भी बने रहते हैं और गरीबी भी कम नहीं होती, बस आंकड़ों में गरीबी कम होती जाती है। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने 2022 के मुकाबले सैन्य खर्चों में 4.2% की बढ़ोतरी की। लद्दाख में सीमा पर तनाव के बाद से अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और सैन्य ढांचे को मजबूत करने के लिए ये बजट दिनों दिन बढ़ रहा है। 2013 से अब तक भारत ने अपने सैन्य खर्चों में 47% की बढ़ोतरी की है। अब जरा इसे समझिएगा, क्योंकि भारत ने 2024-25 के लिए डिफेंस बजट को जो पैसे दिए हैं, वो देश के सकल घरेलू विकास यानी जीडीपी का 1.89% बैठता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2016 में जारी एक रिपोर्ट कहती है कि भारत को गरीबी से निपटने के लिए हर साल अपनी कुल जीडीपी का 3.7 यानी 5.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि जितना भारत सैन्य खर्च कर रहा है, उससे कहीं कम देश से गरीबी दूर करने में खर्च किया जाए, तो भारत की गरीबी उससे दूर हो सकती है। दरअसल अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में एरोल एंथनी हेंडरसन की एक रिपोर्ट छपी, मिलिट्री स्पेंडिंग एंड पॉवर्टी। इस रिसर्च में कहा गया कि सेना और साजो सामान पर जितना खर्च होता है, गरीबी उतनी ही बढ़ती जाती है। शिप्री की हालिया रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 2023 में सैन्य खर्च 2022 के मुकाबले 6.8% बढ़कर $24.4 खरब तक पहुंच गया। 2022 में यह सैन्य खर्च $22.4 खरब था, यानी ये कहा जा सकता है भले ही हम सैन्य साजो सामान पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मगर दुनिया पहले के मुकाबले ज्यादा असुरक्षित महसूस अपने आप को कर रही है और अपने आप को गरीबी की ओर धकेल रही है। खैर,
दुनिया भर में गरीबी एक बड़ी समस्या है। अफ्रीकी और एशियाई देशों में यह समस्या भीषण रूप में है। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दो वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। साल 2022 के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार दुनिया में 111 देशों में 120 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन भारत की गरीबी की बात करें तो भारत की गरीबी की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से की जाए तो भारत ने अपनी गरीबी के स्तर में सुधार किया है। 2022 में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत करीब 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल रहा। लेकिन अगर भारत ने भी सैन्य खर्चों को बढ़ाना जारी रखा और गरीबी पर ध्यान नहीं दिया तो भारत का भी वैसा हाल हो सकता है जैसा एक समय में अमेरिका का हुआ था। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।